प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इसके अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनकी गाड़ी के काफिले को सड़क पर उतारकर रिहर्सल कराई जा रही है, तो वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर समय हस्तकला संकुल को BSPG ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके तहत आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। 8 तारीख के सुबह उनका प्रोग्राम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्य के लिए आ रहे हैं, आपको पहले से पता है। और आज हम इसका रिव्यू करने आए थे कि प्रिपरेशन कैसे हो रहे हैं और दिशा निर्देश लिया जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि काफी एफिशिएंटली कोर्स अपना ड्यूटी करेगा। पीएम सर के आने का कुछ प्रोग्राम आ पाया है कि कब आएंगे, कब जाएंगे, कितनी देर बाद? प्रोग्राम स्थल पर हम हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा है, बाकी तो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, तो इसलिए तो आपको तो सार्वजनिक रूप से तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन अब ये यहाँ का प्रोग्राम है, यहाँ पर शिलान्यास और बाकी जो प्रोग्राम है जो पहले ही कमिश्नर साहब ने आपको बता दिए हैं। सर, ये कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है जिसको लेकर के सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे खुला हुआ है, तो प्रधानमंत्री का विजिट होगा तो कैसी तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन? हाँ, विजिट के लिए हम पर्याप्त मात्रा में फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं और इसमें आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी का दायित्व SPG के पास रहेगा। इसके बाद जो रिंग्स जो बनाए जाएंगे इसमें लोकल पुलिस और आउटर रिंग में आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी का भी डिप्लॉयमेंट होगा। इसके साथ साथ जो एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा आसपास के जो मोहल्ले हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग भी कराए जाएंगे, और जो स्टैंडर्ड ड्रिल होता है इस प्रकार के सारे प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं और सारे डिप्लॉयमेंट्स भी।